नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीते कुछ महीनों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं के लिए सुर्खियों में बना है, लेकिन 18 और 19 जून के बीच की रात एक और ऐसी घटना हुई जो बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था को उजागर करती है। मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी उशोशी सेन गुप्ता को राजधानी कोलकाता में गुंडों ने घेर लिया, उन्हें खींचा और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की। उशोशी के मुताबिक गुंडों की संख्या 15 से ज्यादा थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी उशोशी इस भयावह घटना के बारे में फेसबुक पर बताती हैं। उन्होंने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया है। इस पूरी घटना का ब्यौरा पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े करता है। आप पूरा मामला जान लीजिए। इस पूरी घटना के बारे में उशोशी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है। उशोशी लिखती हैं, मैं 18 जून यानी 18 और 19 के बीच की रात को करीब 11:40 पर JW मैरिट में काम निपटाकर घर के लिए निकली थी। मैंने ऊबर कैब बुक की, मेरे साथ मेरे कलीग यानी उनके सहकर्मी था। जब कैब एक्साइड क्रॉसिंग के पास पहुंची तो कुछ लोग बिना हेलमेट पहने बाइक पर आए, यानी कुछ बाइक सवार आए और कैब में बाइक भिड़ा दी। इसके बाद लड़के बाइक से उतरे और ड्राइवर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में 15 लड़के इकट्ठे हो गए। इन्होंने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। मैं बाहर निकली और चिल्लाना और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं पास के ही मैदान पुलिस स्टेशन गई, जहां पर एक पुलिसकर्मी को देखा और उसे साथ आने की गुजारिश की। पुलिसकर्मी का जवाब था कि ये मामला उनके नहीं भवानीपुर थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वो नहीं चल सकते। यहाँ मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैंने उनसे यानी पुलिसकर्मी से दरख्वास्त की कि वो साथ चले, नहीं तो गुंडे ड्राइवर को मार देंगे। इसके बाद पुलिसकर्मी साथ आया और लड़कों को पकड़ा और हुड़दंग मचाने के बारे में पूछा। लड़कों ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और फिर फरार हो गए। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भवानीपुर थाने के पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक 12 से ज्यादा बज चुके थे। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कोलकाता के हाई सिक्योरिटी एरिया में इन गुंडों की हिम्मत देखिए कि इतना होने के बाद भी उन्होंने कैब का पीछा किया। उशोशी लिखती हैं, ये लड़के हमारी कैब का पीछा करते रहे। जब कलीग को छोड़ने के लिए लेक गार्डन, जो कि सरकारी घरों वाला इलाका है, उस ओर पहुंचे तो 6 बाइक सवार फिर से आधम के इन्होंने गाड़ी को रोका, पत्थर बरसाए, तोड़फोड़ की। एक ने मुझे खींचा और फोन से वीडियो डिलीट करने के चक्कर में मेरा फोन तोड़ने की कोशिश की। मैंने चिल्लाना शुरू किया तो स्थानीय लोग निकलकर बाहर आए। उशोशी ने साथ में इस घटना का वीडियो पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उशोशी पुलिस से खासी खिन नजर आती हैं। पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए उशोशी ने लिखा कि पुलिस वालों के कहने पर जब मैं इस मामले को दर्ज कराने के लिए चारू मार्केट पुलिस स्टेशन गई तो ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। करीब 1:30 बज चुके थे। काफी सवाल जवाब करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जब मेरे उबर ड्राइवर ने मामला दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने कह दिया कि एक शिकायत पर 2 FIR नहीं हो सकती, ये कानून के खिलाफ है। साउथ कोलकाता जैसे कड़ी निगरानी वाले इलाके में हुई ऐसी घटना से उशोशी हैरान है। उनके मुताबिक ये पूरी घटना पैसे ठगने के लिए की गई। अपनी पोस्ट के आखिर में उशोशी लिखती हैं कि रात की घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया है। ये वो कोलकाता नहीं है जिसके लिए मैं बाहर अपना शानदार करियर छोड़कर यहां बसी, मैं यहां रहने आई। पुलिस की ओर से शुरुआती एक्शन इस पूरे मामले में ढीला रहा, लेकिन उशोशी की पोस्ट के बाद ये खबर मीडिया में आई, थोड़ा दबाव बढ़ा और इसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया। इस मामले में अब तक 7 हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे इस मामले में जांच चल रही है। सो जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए dlalantop.com। शुक्रिया।